रेनबो और संजीव कपूर का आप सबको प्यार भरा नमस्कार. बिकॉज एवरी डिश सेज समथिंग, सो लेट्स मेक इट मैजिकल विथ रेनबो इवेपोरेटेड मिल्क. रेनबो इज मेड फ्रॉम फ्रेश मिल्क. इट गिव्स नाइस रिच क्रीमी टेस्ट. इट्स कन्वीनियंट टू यूज एंड इट्स लो इन कैलोरीज. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि पराठा जो है खाने का बड़ा दिल करता है लेकिन रोज रोज खाया नहीं जाता क्योंकि बड़ा हैवी होता है, बड़ा घी मक्खन तेल उसके अंदर होता है, सेकने में ऐसा लगता है और पराठे का मज़ा नहीं आता. अगर हेल्दी पराठा हो तो मज़ा आ जाए. एक तो पहले आटे से बनाएंगे, मैदे से नहीं बनाएंगे. आटे के साथ साथ इसमें मैं थोड़ा डालता हूँ नमक. इसमें अब हम डालते हैं रेनबो इवेपोरेटेड मिल्क. रेनबो गिव्स नाइस रिच क्रीमी टेस्ट. इट्स कन्वीनियंट टू यूज एंड इट्स लो इन कैलोरीज. अच्छा, रेनबो इवेपोरेटेड मिल्क से आटा गूंदने का जो फायदा है, प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ी जाएगी, एक और फायदा है वो ये कि इसमें डबल द क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी. जी हाँ, इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन डी. तो फायदा डबल फायदा. ये जो आटा है इसको गूंद के थोड़ी देर रख देना है, मतलब करीब आधे घंटे तक इसको रेस्ट करने दें. नॉर्मली जब पराठा बनाते हैं ना तो उसके अंदर मतलब घी तेल मक्खन उसको अप्लाई करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हम करेंगे. तो ये जो पराठा है इसमें जो डो हमने बनाया है रेनबो इवेपोरेटेड मिल्क से, उसकी वजह से एकदम मॉइस्ट बना है और जो पराठा फाइनली बनेगा वो एकदम सॉफ्ट बनेगा. अच्छा, अब इसके बाद में पराठे में परत लाने के लिए एक काम करते हैं, जरा हल्का सा एक चीरा लगाते हैं और थोड़ा सा मैदा ताकि परत जो है वो सेपरेट हो जाए. और ये रोल करने के बाद घुमा के, अच्छा ये तो मैं पराठे के लिए डो बनाया, एक्चुअली इसी डो से आप रोटी भी बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि लेयर्स आपको बनाने हैं. आप नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं इसी डो से आप रोटी बना के देखिए, बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनेगी. The only thing is that make sure that you don't cook this on high heat. Medium heat पर इसको पकने देना है. क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से. मैंने तो बना दिया, आप बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए रेनबो के फेसबुक पेज पे.